भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जहां महिला हितेशी है वहीं वो लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कानून बना रही है महिला आरक्षण बिल लाकर भाजपा सरकार ने अपने इरादों को जाहिर कर दिया है महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिष्ठान वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया इस मौके पर नगर पालिका सभा जसोदा शर्मा ने कहा की भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और आज महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर के महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है और मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया आरक्षण सबसे पहले तो यही करा अभी उन्होंने सत्तर जो है पद पे जो है उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने जिसमें आधा से ज़्यादा महिलाओं के लिए है कई चीज़ों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएँ उस चीज़ से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का लड़कियों का सबका साथ दिया है इसलिए सभी लोग जो हैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि मातृशक्ति के लिए भाजपा सरकार द्वारा लाया गया विधेयक महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा इस मौके पर कविता देवी ने कहा कि आज भारत वर्ष की महिलाओं में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो घोषणाएं भाजपा के जब 1980 से घोषणा पत्रों में थी चाहे वो धारा 370 हो चाहे राम मंदिर हो चाहे तीन तलाक हो चाहे महिला आरक्षण हो और अब समान नागरिक संहिता रहेगी वो भी हो जाएगा हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि इसी प्रकार सेवा करते रहे जनसेवा करते रहें मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है तैंतीस परसेंट तो हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आभार व्यक्त करते हैं और आज सभी महिलाओं में पूरी हमारे भारत देश की महिलाओं में बहुत खुशी की लहर है आप देख रहे हैं दखल न्यूज